हेलो एवरीवन जय हिंद नमस्कार वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन आप सभी को जय श्री राम राधे राधे सो so, आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब दरोगा वाला रिज़ल्ट आएगा और मैं आपको बता दूं कि देखिए दरोगा वाला जो रिज़ल्ट है वो रिलीज़ हो गया है ठीक है पहले वेबसाइट पे चलते हैं देख लीजिए वेबसाइट पर वेबसाइट पर जब आइएगा आप यहाँ पर देखिए आज एक बारह दो हज़ार तेईस का ही यहाँ पर अपडेटेड आपको दिख रहा है तो कुछ यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है ऐसा ठीक है कि कहीं कुछ यहाँ पे कुछ नोटिस वोटिस कुछ दिख नहीं रहा है वो नोटिस अभी एक्चुअली वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुई है ठीक है लेकिन वो नोटिस हमारे पास आ गया है मतलब वो जो नोटिस रिलीज होता है एक तरीके से तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और सबसे पहले तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है वहाँ पे हम नोटिस डाल देंगे आप लोग देख लीजिएगा कट ऑफ क्या गया है कट ऑफ देख लीजिए ह्यूमंगस कट ऑफ गया है जिसको देख के दिमाग खराब हो रहा है हाँ जी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देख लीजिए तो यहाँ पे बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा गृह विभाग आरक्षी शाखा बिहार सरकार के अंतर्गत बिहार पुलिस में पुलिस अवर निरीक्षक की बारह रिक्तियों के विरुद्ध सीधी भर्ती हेतु दिनांक तीस नौ दो को प्रकाशित विज्ञापन में जो विज्ञापन संख्या थी दो ओब्लिक दो क्रम दिनांक सत्रह बारह दो रविवार को कुल छः लाख साठ हज़ार पाँच सौ सैंतीस अभ्यार्थियों ने प्रारंभिक लिखित परीक्षा दो शिफ्ट में हुई जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया नंबर देखिए छः लाख साठ हज़ार पाँच सौ सैंतीस अभ्यर्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया ठीक है अब देखिए लिखित परीक्षा में यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए लिखित परीक्षा में पांच लाख छत्तीस हजार सात सौ चौवन अभ्यर्थी इसमें जो है अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे जिसमें से इक्कीस हजार सात सौ अंठावन अभ्यर्थी कदाचार तथा अन्य कारणों से अयोग्य घोषित कर दिए गए अब यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे दे दिया गया है ठीक है देखिएगा कदाचार की वजह से 38 हो गया ओ में रोल नंबर गलत भरने वजह से ग्यारह हज़ार पाँच सौ तैंतीस यहाँ पर आउट हो गए उत्तर यहाँ पे उत्तर पत्रक गलत भरने की वजह से यहाँ पे सात हज़ार चार सौ पचासी आउट हो गए और यहाँ पे देखिए हिं, हिंदी अनुवाद नहीं लिखा ठीक है ब्लैंक छोड़ दिया तो वो आउट हो गए छः उत्तर पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं किए तो छः साथ यहाँ पे गायब हो गए और अंग्रेजी में जो रहता है गधांस पदांस वो नहीं लिखा तो वहाँ पे गायब हो गए और हिंदी अंग्रेजी दोनों में ही अनुच्छेद छोड़ दिए गए वैसे अभ्यर्थी एक सौ इक्कीस आउट हो गए कुल मिला के देखिए इक्कीस हज़ार सात सौ अंठावन ऐसे हैं जो कदाचार या अन्य कारणों से जिनको बर्खास्त कर दिया गया है अब फाइनली देखिए कितने पास हुए हैं तो मतलब सबसे पहले टोटल सम्मिलित जो है देखिए तो पाँच ये टोटल अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे जिसका बीस गुना उम्मीदवार को प्रारंभिक लिखित परीक्षा में पास किया गया और मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पे उनको बुलाया गया है ठीक है क्लियर इतनी बात है इतनी बातें अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पे सीट वीट दे दिया है कि भाई कितना कहाँ पे क्या सीट है नहीं है ओके अब यहाँ पे अगर हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करके आते हैं ठीक है ना यहाँ पे रिजर्वेशन का सारा डाटा बेवड़ा एवड़ा यहाँ पर दिया हुआ है देखिए कुल चयनित जो अभ्यर्थी हैं कितने हैं ये भी देख लीजिए तो पच्चीस हजार अभ्यर्थी टोटल यहाँ पे पास हुए हैं ये पास स्टूडेंट का नंबर है यहाँ कैटेगरी वाइज दे दिया है किस कैटेगरी से कितना पास हुआ है ये सब कुछ यहाँ पे ओवरऑल जो यहाँ बता रहा है ठीक है पच्चीस हजार चार सौ पाँच यहाँ पे पास हुए हैं ठीक है ना अब देखिए कट ऑफ किस कैटेगरी में कितना गया है हमारे काम का यही है ठीक है ना ये असल चीज़ है कट ऑफ कट ऑफ क्या गया था देखिए रिजर्व यानी आ, स, आ, आ, अनारक्षित जनरल यहाँ पे बोल रहा है जनरल का एक सौ उनतीस कट ऑफ गया है एक सौ उनतीस कट ऑफ का मतलब समझ रहे हैं आप तो यहाँ पे देखिए एक का मतलब हो गया आपको लगभग चौंसठ के आसपास है ना चौंसठ परसेंट के आसपास मतलब माफ़ कीजिएगा चौंसठ अगर आपने सही किया है तो आपका यहाँ पे न, आ जाएगा ई डब्ल्यू एस का यहाँ पे देखिए ई डब्ल्यू एस का कितना है तो 122 गया है 122 का मतलब हो गया कि 61 वन ई डब्ल्यू एस का कट ऑफ गया है अनुसूचित जाति की बात कर ले अनुसूचित जा, जाति जो है देखिए इनका 105 गया है 105 का मतलब हो गया इनका 52 टू कट ऑफ गया है 105 ठीक है अनुसूचित जनजाति इनका 103 गया है 103 का मतलब हो गया कि इक्यावन पॉइंट पाँच इनका कट ऑफ गया है ठीक है ये देख लीजिए अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग अगर हम बात कर लें यहां पे देखिए ये हो गया ओ तो ओ का गया है एक सौ का मतलब हो गया देखिए ओ का सीधा सीधा जो है सिक्सटी गया है फ्लैट साठ साढ़े साठ के आसपास गया है पिछड़ा वर्ग एक सौ पच्चीस जा रहा है ठीक है एक सौ पच्चीस का मतलब यहां पे हो गया लगभग लगभग बासठ तिरसठ के आसपास ठीक है तो जो कट ऑफ मैंने आपको बताया था कि ये कट ऑफ आ सकता है देखिए वही कट ऑफ है मैंने आपको बताया था कि देखिए साठ से पैंसठ के आसपास रहेगा और इवन मैंने ये बोला था पैंसठ के प्लस भी जा सकता है देखिए पैंसठ प्लस नहीं गया बहुत अच्छी बात है लेकिन मैंने आपको बोला था पैंसठ से प्लस माइनस रहेगा और आपका पैंसठ के आसपास प्लस माइनस में है आपका पैंसठ अगर आ रहा है तो आप मेंस के लिए तैयार करिए और जो मैंने कट ऑफ बताया था वो आपके सामने आ रहा है एक वीडियो में मुझे याद है मैंने कट ऑफ पैंसठ से ज़्यादा प्रडिक्ट कर दिया सेवेंटी के आसपास जब मैंने उसको दोबारा इवेल्युएट किया मैंने बोला था दोबारा से इवेलुएट करके दूसरे वीडियो में कि हाँ सिक्सटी फाइव के आसपास अगर आपका आ रहा है प्लस माइनस में आपका अगर है एक दो नंबर ऊपर नीचे तो आप तैयारी में लग जाइए और देखिए साठ से पैंसठ के आसपास ही कट ऑफ है और मैं जनरल के लिए मैंने बोला था सबके लिए नहीं बोला था ठीक है तो ये आपका कट ऑफ है टोटल जो पास स्टूडेंट्स हैं देखिएगा पच्चीस हजार चार सौ पाँच कुल अभ्यर्थी पास हैं और जितने भी पास अभ्यर्थी हैं उन सभी को मेरे ओर से मिशन कॉम्पिटिशन की ओर से बहुत बहुत बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशंस धन्यवाद